आज हम लोग TTF में आए हुए हैं और TTF में UP टूरिज्म साइड से एक स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे सारे अधिकारी भी हैं। आइए चल के बात करते हैं, गोल्डन ब्लॉसम के GM हैं। सर आपको कैसा लग रहा है, फील हो रहा है यहाँ पर? आशीष, बहुत अच्छा लग रहा है और 6, 7, 8 सितंबर को ये TTF का चल रहा है, आज पहला दिन है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यूपी टूरिज्म के लिए ये है कि बहुत सारी क्वेरीज बनारस, अयोध्या, नैमिषारण्य, बोधगया, इन सब जगहों के लिए बहुत अच्छी क्वेरीज यहाँ जनरेट हो रही है। तो होपफुली ये पहला दिन है, इसका अच्छा रिस्पांस है। आने वाले 2 दिन भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस है। इसका मतलब है आने वाले टाइम में यूपी को अच्छे बिजनेस मिल सकता है, टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। देखिए, जहाँ तक मैं भी मिला हूँ, गुजरात टूरिज्म के लोगों से मिला हूँ, मुंबई के टूरिज्म के लोगों से मिला हूँ, तो अयोध्या एक ऐसा डेस्टिनेशन डेवलप होने वाला है कि बहुत सारे लोगों का मूवमेंट होगा, यहाँ से ग्रुप्स चलेंगे, सीरीज चलेंगे, FITs मूवमेंट होगा, तो बहुत अच्छा है ये आगे के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू आशीष। आए दूसरे हमारे अमित जी आए हुए हैं, ये बनारस से आए हुए हैं। अमित जी बताइए, आप यहाँ पे स्टॉल लिया हुआ है तो आपको कैसा फील हो रहा है या क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ बिजनेस कैसे मिलेगा? बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक, तो जो यहाँ का सिनेरियो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्राउड भी है, अहमदाबाद का बहुत बढ़िया इवेंट है। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छा है, 2 दिन अभी आने वाले हैं और भी अच्छा होगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को होप है कि अच्छा बिजनेस सबके लिए हो। धन्यवाद। मतलब काफ़ी अच्छा यूपी टूर ने अपना एक स्टॉल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा क्राउड है। पंकज जी हमारे हैं, ये भी बनारस से ही हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। तो बिल्कुल पंकज जी बताइए कैसा रहेगा? ठीक ठाक है, बट अगर देखा जाए तो ज़्यादातर होटेलियर आ रहे हैं, रिस्पॉन्स कम है, बट आई होप कल आएंगे लोग। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल होप।